अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द निशा ब्लॉग। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो टुडे मम्मी इज गोइंग टू मेक मसाला मटन कलेजी, सो लेट्स वॉच इट। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने मटन कलेजी को अच्छे से वॉश करके अब उसको स्टीम के लिए चढ़ा दे रही है ताकि जो मटन कलेजी की स्मेल है वो स्मेल रिमूव हो जाए। फ्रेंड्स, मटन कलेजी को हम 4 से 5 मिनट के लिए ही स्टीम पर रखेंगे, उसके बाद उसे हम बाहर निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, करी के लिए मम्मी अब जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट रेडी कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट के बाद हम कुकर ओपन करेंगे और उसमें जितना भी पानी इसको रिमूव करके कलेजी को हम बाउल में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, कलेजी का मसाला रेडी करने के लिए हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी। इसके साथ हम 4 बिग अनियंस भी लेंगे जो आपको स्टार्टिंग में दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, मम्मी यहाँ पर अब 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर रही है। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें हम अनियंस ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब अनियन रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी तब उसमें हम सारे गरम मसाले ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, सारे गरम मसाले ऐड करने के बाद कलेजी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, सारे मटन लीवर ऐड करने के बाद मम्मी इसमें पाउडर्ड गरम मसाले ऐड करेंगी। सो फ्रेंड्स, सारे मसाले ऐड करने के बाद मम्मी इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगी जो हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था। सो फ्रेंड्स, पेस्ट ऐड करने के बाद मम्मी इसमें 2 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सारे मसाले और पेस्ट ऐड करने के बाद मम्मी इसमें आप 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं, आप जितना करी में पानी चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पानी ऐड करने के बाद आपको कुकर को कवर करके चढ़ा देना और 3 से 4 सीटी के बाद ही हम कुकर ओपन करेंगे। सो फ्रेंड्स, 4 सीटी के बाद मम्मी ने कुकर को अब ओपन कर दिया और यहाँ पर मसाला कलेजी अब रेडी है। अगर आप कलेजी में और पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप भुंजा हुआ बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए भूंज भी सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मसाला मटन कलेजी रेडी। अगर आपको मम्मी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।